जय हिंद डिफेंस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत को भारत का पहला स्वदेश निर्मित बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिल गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले इंडिजीनियस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, जो कि पूरी तरीके से बॉम्बर है, यानी कि ये बम बरसाने वाला है। तो पता करते हैं कि ये है क्या और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। हम जानते हैं कि भारत के पास कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, जिसको मेनली भारत दूसरे देशों अमेरिका इसराइल से आपका परचेस किया करता है। अब भारत की ही कंपनी के द्वारा भारत में अभी 3 मई 2024 को एक इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल को आपका एक सेरेमनी में इनॉग्रेट किया गया, और इस प्रकार से भारत की जो डिफेंस और एयरोस्पेस की कैपेबिलिटी है उसको दिखाया गया है। इस आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो नाम दिया गया है उसका नाम है FWD-200B, और इसकी आप डिजाइन यहाँ पर देख पा रहे हो। फ्लाइंग एच के माध्यम से जो है इसको बनाया गया है, जहां पर हमारी सेना के अधिकारी भी आपके मौजूद थे। और किस प्रकार से भारत अब धीरे धीरे करके अनमैन्ड एरियल व्हीकल के आपके टेक्नोलॉजीज पर कार्य कर रहा है, भारतीय कंपनियां भी और मेनली जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें आपके लगे हुए हैं। द यूएवी डेवलप्ड बाई दी फ्लाइंग वेज डिफेंस एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज इज अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट व्हीकल, और इसको पूरी तरीके से भारत में ही आपका स्वदेश निर्मित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लेकिन इसमें जो है खासियत बॉम्बर वाली आपकी रखी गई है। ये टोटल 100 किलोग्राम तक के पेलोड की कैपेसिटी को आपका लेने में सक्षम है। साथ ही साथ सर्वेलेंस पेलोड, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक वेपन्स की करने में ये पूरी तरीके से इसको महारत है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी कोई सामान भारत में बनता है और उसको भारतीय के द्वारा बनाया जाता है, तो वो कॉस्ट इफिशेंट होती है और इंडिजीनियस डेवलपमेंट के टेक्नोलॉजी के साथ भारत के स्ट्रेंथ को हाईलाइट आपका किया करती है। और भारत को रिक्वायरमेंट थी ही कि इस प्रकार के बॉम्बर यूएवीज हमारे पास आ सकें। ज़्यादातर जो हमारे पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं उनका यूज़ हम सर्वेलेंस के माध्यम से किया करते हैं। अभी आप जानते हो कि अमेरिका से हम MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ले रहे हैं, और इनकी संख्या कुल आपकी 31 के करीब होने वाली है। तो वो तो आपके बॉम्बर रहेंगे, यानी कि आप उनसे सर्वेलेंस भी कर पाओगे और आप उनसे बम भी बरसा पाओगे। इस यूएवी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 370 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफ़ी अच्छी है, और एंड्योरेंस इसका 12 से 20 घंटे का है, यानी कि ये हवा में लगभग 20 घंटे तक रह सकता है। अभी एंड्योरेंस इसकी बढ़ाने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि लगभग 36 घंटे का तो एंड्योरेंस हमको चाहिए, लेकिन ये शुरुआत है। धीरे धीरे इसमें काफ़ी आपके बदलाव किए जाएंगे। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन रेंज इसकी आपकी 200 किलोमीटर की आती है, यानी कि जहां से आप इसको फ्लाई करते हो वहां से ये 200 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, इतनी आपकी रेंज इसकी आपकी है। और इस अचीवमेंट के साथ जो है जो एफर्ट है, हम इम्पोर्ट अल्टरनेटिव का हमने डेवलप कर लिया है। वहीं पर जो US प्रेडेटर ड्रोन है उसकी कॉस्ट अराउंड 250 करोड़ आएगी, जबकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 25 करोड़ आएगी। सोच लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका की काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो काफ़ी कम से शुरुआत करते हैं, इसके काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं और अब इसको आपका अनवील किया गया है। धीरे धीरे करके भारत भी आपका अनमैन एरियल व्हीकल ड्रोन के टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, और भारत चाहता है कि एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस हब भारत ही आपका बन सके, और इसका सपना साकार कर रहे हैं भारतीय, ऐसे भारतीय जो कि अपने भविष्य को डिफेंस में लगाकर जो है डिफेंस के में इम्पॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहे हैं। तो ग्लोबल स्टेज में जो कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशन है उसको इनके द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, और इस प्रकार के बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बना दिया गया है। तो ये जो FWD फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस का आपका 200 बॉम्बर है, वो भारत के लिए एक प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और ये 2014 में चलाए गए मेक इन इंडिया के सपने को साकार करता जा रहा है। अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो इस प्रकार से बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जिसमें मेनली जो है
आपका अनमैंड तो नहीं रहता है, मैंड आपके एयरक्राफ्ट रहते हैं, जिसको अमेरिका, रशिया, चाइना के द्वारा आपका बनाया गया है। अमेरिका का B-21 राइडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, अमेरिका की कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन के द्वारा इसको आपका डेवलप किया जाता है। वहीं पर रशिया के दो हैं, पहला आपका तुपलेव Tu-160MU और आपका पाक डीए, वहीं पर चाइना का शिनयान H-20। तो इस प्रकार के उनके पास हैं। और भारत भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अभी ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमने ये कर दिखाया है और इसको काफी और हम एडवांस बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेस रनिंग विद दिस क्रैक एग्जाम, बट स्पेशली सभी कोर्सेस के लेवल हैं। वॉर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।